आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी होती है। बहुत इजी स्टेप से आपको बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए पैन में डाल दें आप घी। घी मैं अभी कम डाल रही हूँ, आप देख लें बीच में अगर डालें तो। इसमें मैंने इस बेसन डाल दिया है और इसमें मैंने सूजी डाल दी है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मेक श्योर कर लें कि कोई लम्स इसमें ना बने। देखिए हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से कुक करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे हम इसको, और कंटिन्यूसली हम चम्मच जो है वो चलाते रहेंगे ताकि जो है ये हमारा मिक्सचर वो पैन से चिपके ना, क्योंकि शुरू में ये थोड़ा स्टिकी होता है। इधर हम बनाएंगे शीरा, तो उसमें पैन में मैंने लिए डाल दी है चीनी। चीनी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी और इसको मैं अब अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। बिल्कुल परफेक्टली मिक्स कर लेना है हमने, और इसको अब हम इसको कुक होने देंगे 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखिए ये जो हमारा हलवा सॉरी बर्फी तैयार हो रही है, इसका मिक्सचर आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा सा स्टिकी है। हमने इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरीके से हमने इसको करते रहना है, तब तक पकाना है जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है, ये मेक श्योर कर लीजिएगा, वरना जो है हमारा जो ये बेसन है वो ब्राउन तो जल्दी हो जाएगा मगर कच्चा रहेगा। तो ये देखें आप देख सकते हैं हमारा जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया था, और ये हम शीरे की तरफ देखते हैं, शीरा हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। तो हम इसको सिर्फ 2 मिनट और पकाएंगे। दो तार वाला जिसको कहते हैं ये शीरा, वैसा बन चुका है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी थी। ये देखें हमारे जो ये बेसन है ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो फ्लेम को आप कर दें ऑफ, वो जो हमारा जो शीरा हमने तैयार किया वो इसमें हम डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता, और मिक्स करते रहेंगे साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए चम्मच हमने साथ साथ चलाते रहना है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। अब आप फ्लेम को ऑन करके इसको 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएं। ये देखिए और बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर लें, और जैसे ही 2 मिनट हो जाए आप फ्लेम को ऑफ कर देना। ये देखें ये जो है परफेक्टली हो गया है। अब आप एक ट्रे को ग्रीस कर लें और इसमें ये जो बर्फी का मिक्सचर है ये डाल दें, और इसको जो है वो अच्छी तरीके से सेट कर लें। परफेक्टली सेट करना है आपने। ये देखें ये सेट हो चुका है। इसको ठंडा होने देंगे फिर इसके पीसेस करेंगे। अब हम इसके पीसेस करेंगे। देखिए कितने परफेक्टली हमारी बर्फी जो है वो जमी है। ये देखिए कितने अच्छे पीसेस बन गए हैं इसके, आप देख सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही डिलीशियस सी बेसन की बर्फी तैयार है, मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।